डेली हेल्थ अपडेट्स के लिए अभी मानव हर्बल्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमेशा अपने वजन पर नजर रखने वाले लोग खाने पीने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि स्वस्थ तरीके से वजन घटाने के लिए क्या खाना चाहिए और किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए। खास तौर से दूध पीने को लेकर उनमें हमेशा एक संदेह बना रहता है। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है कि दूध सेहतमंद होता है, लेकिन इसमें फैट भी होता है जो वजन बढ़ाने से जुड़ा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो क्या वास्तव में वजन कम करने के दौरान लोगों को दूध पीने से बचना चाहिए या फिर नहीं बचना चाहिए? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, दूध को पीने के दौरान वजन बढ़ाने के लिए आपके अच्छा होगा या फिर अच्छा नहीं होगा उसके बारे में। दोस्तों, लोग अक्सर मानते हैं कि दूध वजन घटाने के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध सैचुरेटेड फैट और कैलोरी से भरपूर होता है। वजन घटाने के लिए इन दो कारकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली एक कप दूध में लगभग 5 ग्राम फैट और 152 ग्राम कैलोरी होती है। ऐसे में वे लो कैलोरी वाली डाइट पर एक दिन में सीमित कैलोरी का सेवन करने के लिए अपने आहार में दूध और दूध से बने उत्पादों से बचते हैं। देखा जाए तो दूध पीने से वजन नहीं बढ़ सकता है, ये एक सच्चाई है, लेकिन यह कुछ किलो कम करने में आपकी जरूर मदद कर सकता है। दूध हेल्दी है और हाई क्वालिटी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत भी है। यह मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों की उपस्थिति हड्डियों को मजबूत करने, प्रतिरक्षा और मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय को बढ़ाने में मदद करती है। 2.5 मिलीलीटर दूध में 8 ग्राम प्रोटीन, 125 ग्राम कैल्शियम होता है। इसलिए अगर आप डाइट पर हैं तो भी सीमित मात्रा में दूध पीने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे अध्ययनों में ये पता चलता है कि लो कैलोरी डाइट फॉलो करने वाले लोगों ने डेयरी उत्पादों से परहेज करने वाले की तुलना में रोजाना 3 बार डेयरी उत्पादों का सेवन करने से ज्यादा वजन कम हुआ है। कई अन्य अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि जो लोग डेयरी उत्पादों से भरपूर डाइट का प्लान करते हैं वे वजन कम करने के बाद खुद को मेंटेन करने में सक्षम होते हैं। ऐसे में कैल्शियम के सेवन से मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज और यहाँ तक कि हृदय रोग से जुड़े जोखिम को भी कम करने में मदद मिलती है। यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट से दूध को हटाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक लेते हैं तो इसे दूध में मिला लें। यदि आपको दूध पचता नहीं है तो सोया और अखरोट के दूध जैसे प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट लेना बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी तक कंफ्यूजन में हैं कि हम वजन कम करना चाहते हैं, हमारे बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए हमको दूध नहीं लेना है कि लेना है, तो आज आप क्लियर हो जाइए कि दूध छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। दूध से आपको वजन का कोई रिलेशन ही नहीं है, बल्कि वो आपके कैल्शियम को और विटामिन B12, विटामिन डी, ये सारे पोषक तत्व आपके बॉडी को मिलते हैं जो आपके बॉडी के लिए काफी लाभदायक होते हैं और इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ता, बल्कि दूध के नियमित सेवन से वजन घटता है, वजन बढ़ता नहीं है। सो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।